नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं सिबिल स्कोर के कमाल के ऊपर। 3 क्रेडिट कार्ड एक साथ अप्रूव हो गए हैं। माय योर क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का एडिशनल बैंक क्रेडिट कार्ड और सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे दोस्तों कैसे मिल गया, और काफी लोग बोलते हैं कि भैया हम तो बहुत बार ट्राई करते हमको नहीं मिलता है। चलिए हम आपको इस वीडियो में कुछ यूनिक तरीका बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो मेरे व्यूअर्स हैं जो कि इनको 3 कार्ड मिला, जो कि माय जोन क्रेडिट कार्ड, इसके बाद एडिशनल बैंक क्रेडिट कार्ड और इसके बाद सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड। तीनों अप्रूव हो गया, माइक्रो क्रेडिट कार्ड रिसीव हो गया, 1,00,000 रुपए की लिमिट और दोनों की लिमिट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। यहाँ पे दोस्तों इनका जो सिविल स्कोर था 770 प्लस था। एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो भी अपने आप में ठीक ठाक था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों इनको जो है ऑफर आया था, प्रे अप्रूव इन्होंने अप्लाई कर दिया और 2 कार्ड अलग से अप्लाई किया, तीनों का तीनों अप्रूव हो गया बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में जितने सारे कार्ड अप्रूव हो रहे हैं वो सिविल स्कोर के ताकत के बिहाव पे हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे एक व्यूअर्स थे राजेश कुमार जी, जो कि दोस्तों इनको क्रेडिट कार्ड अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा था। दोस्तों इन्होंने अपने सिविल स्कोर पे ध्यान दिया और इनका कार्ड अप्रूव हो गया बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। इन्होंने शॉपिंग किया कुछ अमेजोन से और इनको कार्ड बड़े आसानी से मिल गया। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट आपका सिविल स्कोर है। यहाँ पे सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड जल्दी किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका इनकम हाई लेवल पे होना चाहिए और दोस्तों वहाँ पे सिविल स्कोर भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्रियल बैंक क्रेडिट कार्ड जो है ये भी आपको जल्दी नहीं मिलता है, बट कुछ लोगों को मिल जाता है। तो ये भी अपने आप में अलग कार्ड है, अच्छा कार्ड है, बुरा कार्ड नहीं है। इनकी सर्विस भी काफ़ी ठीक ठाक है। मैं सूरत में रहता हूँ, वहाँ पे जो है करीबन बहुत सारे ऐसे बैंक हैं मैंने देखा, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल बैंक मैं देखा जो कि कतारगांव में पड़ता है, दोस्तों काफ़ी अपने आप में अलग बैंक है। और मैं सर्विस की बात करूँ तो ब्रांच विजिट किया था, यहाँ पे लोग अच्छे से बात करते हैं, इनका बिहेवियर अच्छा होता है, कोई शिकायत वाली बात नहीं होती है। और सो यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल बैंक और इसके बाद एक्सिस बैंक, दोस्तों ये भी अपने आप में अच्छा, बट यहाँ पे जो एक्सिस बैंक में कुछ चीज़ें बहुत यूनिक लगती है जो शायद अदर बैंक में देखने को नहीं मिलता है। पहला एक्सिस बैंक का यूनिक तरीका, अगर आपका ये लिमिट इंक्रीज करते हैं तो 2-4 हज़ार इंक्रीज नहीं करते हैं, जब भी करेंगे 2 गुना 3 गुना आपका लिमिट इंक्रीज करेंगे। और इसके बाद कार्ड अप्लाई करो, अगर आपको लिमिट कम दे दिए, टाइम से अगर आप बिल पेमेंट कर रहे हो या अगर ईमेल कर दिए नोडल ऑफिसर को, तो लिमिट भी आपका बड़े आसानी से ये लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का दोस्तों ये लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा लिमिट कोई इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। मैं तो काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास जो है पे स्लिप है या लो इनकम का ITR है तो उसको दे के आप इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो कार्ड को टाइम से यूज करो, बिल पेमेंट करो, एक हिसाब में एक सीमा में रहो, ऑटोमेटिक आपके लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और दिक्कत नहीं होगा। बट फिर यहाँ पे सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका जो इनकम है वो हाई होना जरूरी है, साथ में आपका सिविल स्कोर 770-780 के समथिंग होना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को इस तरीके से 3 क्रेडिट कार्ड मिला और दोस्तों इनका तीनों क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी आप लोग ये गलती मत करना, 3 क्रेडिट कार्ड अप्लाई कभी मत करना, भले से इनका कार्ड अप्रूव हो गया है बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। कारण ये है, अगर आप 3 क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, अगर आपका तीनों कार्ड अप्रूव हो गया तो सिविल पे आपके काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, भले से कार्ड आपका अप्रूव हो गया है। इसलिए कार्ड हमेशा स्टेप बाय स्टेप करें, एक साथ अधिक कार्ड अप्लाई ना करें, हमें ना। अगर सिविल आपका डाउन हो गया तो सही करने में आपके सर के बाल झड़ जाएंगे, ये बातें याद रखना। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग का सिविल खराब होता है वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, जल्दी लिमिट इंक्रीज नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड लोन जल्दी नहीं मिलता है, भविष्य में शादी विवाह करना है तब भी दिक्कत आता है। तो समझिए, रुकिए और ऐसे कोई काम मत करिएगा। इनका हो गया तो ये मत सोचना कि आपका भी हो जाएगा या पूरे इंडिया में सभी का हो जाएगा। किसी किसी का हो गया बट सबका नहीं होता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।